अश्लील वीडियो फोटो बनाकर महिलाओं से करता है पैसों की उगाली, कर रहा है उन्हें ब्लैकमेल। मुंबई से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। एक 19 साल के लड़के को 22 से ज्यादा महिलाओं से जबरन वसूली करने और यौन शोषण करने के आरोप में गुजरात से गिरफ्तार किया। आरोप है कि युवक सोशल मीडिया अकाउंट से महिलाओं की तस्वीरों का इस्तेमाल कर अश्लील क्लिप बनाता और फिर उन्हें हटाने के बदले में संबंधित महिलाओं से 500 से 4000 रुपयों की डिमांड करता। एंटॉप हिल पुलिस स्टेशन से मिली जानकारी के अनुसार 19 साल के आरोपी युवक प्रशांत आदित्य को गुजरात के गांधीनगर इलाके से गिरफ्तार किया। आरोपी इंस्टाग्राम से महिलाओं की तस्वीरें लेकर उनकी अश्लील वीडियो बनाता और उन्हें वायरल करने की धमकी देकर पैसा ऐंठता और शोषण करता। आरोपी 10वीं फेल है और वो एक मास्क मैन्युफैक्चरिंग फर्म में काम करता है। दिलचस्प बात है कि आदित्य सिर्फ अपनी कम्युनिटी की महिलाओं को ही निशाना बना रहा था। आरोपी महिलाओं से उनकी कथित अश्लील वीडियो डिलीट करने के लिए 500 से लेकर 4000 रुपए तक की मांग करता था। आरोपी ये तक कहता था कि अगर पैसे तुरंत नहीं दोगे तो 500 रुपए ही लगेंगे, अगर पैसे देने में एक दिन की भी देरी होती है तो अगले दिन डबल देने होंगे। आरोपी QR कोड के जरिए महिलाओं से पैसा मंगवाता। वहीं एंटॉप हिल पुलिस स्टेशन में करीब 22 महिलाओं और उनके परिवार वालों ने 14 जुलाई को उत्पीड़न का मामला दर्ज करवाया था। आरोपी युवक पीड़ित महिलाओं का अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें परेशान करता और पैसे मांगता। पुलिस की जांच में पता लगा है कि आरोपी युवक महिलाओं में डर पैदा करने के लिए उनके सोशल मीडिया अकाउंट से उनके बच्चों की तस्वीरें निकालता और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में RIP लिखकर उन्हें भेज देता। इसलिए महिलाएं डर कर उसकी बात मानने को मजबूर हो जाती और उसे पैसे दे भी देती। नवभारत समाचार के लिए मुंबई से मुरारी सिंह की रिपोर्ट। जो तरुण महिलाएं थी उनके इंस्टाग्राम की फोटो पे ऑडियो क्लिप जो बहुत ही वल्गर थी वो लगाकर वो ऐड करके उनको एक्सट्रॉर्शन किया जाता था। अगर क्लिप निकालनी है तो 500 या 1000 रुपए की डिमांड उनसे की जा रही थी और ये मामले कुछ दिनों से पुलिस में आ रहे थे। तो तहकीकात में एक गुजरात के गांधीधाम से प्रशांत आदित्य इस आदमी को हमने गिरफ्तार किया है और उसने गुनाह कबूल किया है, उसकी तहकीकात में ये मालूम चला है। ऐसे और भी कुछ मामले हो सकते हैं। मैं उस परिसर की जो महिला है उनसे गुजारिश करता हूँ कि अगर ऐसे मामले में उनको पीड़ित किया गया है तो वो खुलकर पुलिस स्टेशन में सामने आए। सर, अब तक इसने ऐसा कितने लोगों के साथ किया था और क्या इसकी मोडस ऑपरेंडी थी, किस तरह से ये करता था? अब तक 21 जो महिला है उनके साथ उसने ऐसा किया है। उसकी मोडस यह है कि इंस्टाग्राम की फोटो जो है उपलब्ध है उस पर वो कुछ वल्गर वीडियो क्लिप ऐड करता था और उनसे कॉन्टेक्ट करता था कि इंस्टाग्राम से अगर ये वल्गर क्लिप निकालना है तो उनको 500 से 1000 रुपए देना पड़ेगा, इस तरह की उसकी मोडस थी। सर, ये महिलाओं के फोटो को किस तरह से चुनता था, मतलब रैंडमली चुनता था या उसका भी कुछ उसकी कुछ खास वजह थी और उनको कॉन्टेक्ट कैसे करता था? जो इंस्टाग्राम पे महिलाएं अपना एड्रेस वगैरह बताती है तो उसने शायद ये ऐसे हर जगह किया हो, लेकिन एंटॉप हिल एरिया से कुछ महिलाएं सामने आई तो ये बात पता चली है। सर, ये पैसे इसको अब तक कितने लोगों ने दिए थे, क्या इसकी कुछ जानकारी मिल पाई है? जैसे उसने ये बताया तो लड़कियों ने ये भागकर पुलिस स्टेशन में अप्रोच किया है, तो अब तक तो पैसा देने की बात यहाँ के लड़कियों ने नहीं बताई है। सर, क्या ये सिर्फ मुंबई में ही महिलाओं के साथ ऐसा करता था या देश में अन्य राज्यों में भी कहीं और करता था? नहीं, उसने अन्य जगह से भी ऐसे करने की बात कबूली है, उसके बारे में हम तहकीकात कर रहे हैं। सर, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? इसने बहुत सारे लड़कियों के साथ ऐसा किया हुआ है ऐसा अनुमान है, तो जिस भी लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है तो खुलकर या तो एंटॉप हिल या अपने अपने एरिया के पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट दे सकती है, ऐसी मेरी गुजारिश है। थैंक यू सर।